Hi guys, so you're watching Criminal Minds and don't forget to like, share and subscribe. Hello and welcome to Criminal Minds. Hope you guys are doing great and staying safe. रेलवे स्टेशन तो आपने बहुत देखे होंगे, पर आज की वीडियो एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में है जहां न कोई जाता है और ना ही कभी किसी ने जाने की हिम्मत दिखाई है। बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन, ये गिने चुने रेलवे स्टेशन में से एक है जहां पैसेंजर्स ने जाना ही छोड़ दिया है। ये स्टेशन एकदम सुनसान और खाली रहता है। इस रेलवे स्टेशन को इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है। बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन 1960s में श्रीमती लाचन कुमारी और इंडियन रेलवेज के जॉइंट एफर्ट से बना था और 1967 में हुए हादसे के बाद से उसे बंद कर दिया गया। बंगाल अपने हॉन्टेड स्टोरीज और स्पॉट्स के लिए काफी फेमस है, और अगर आप बंगाल में रहते हैं तो यहाँ ना ही जाएं तो बेहतर होगा। अब जानते हैं व्हाई डोंट ट्रेन्स स्टॉप एट बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन। कोई रीजन, कोई विश्वास, अंधविश्वास या मिथ कुछ तो होगा जिसके कारण ट्रेन्स ने वहाँ रुकना ही छोड़ दिया। तो आइए जानते हैं बेगुन कोदार के स्टोरी के बारे में जो वहाँ के लोग मानते हैं और 1967 में ये स्टेशन बंद होने का सबसे बड़ा कारण है। तो 1967 में स्टेशन मास्टर ने पूरे गांव वालों को एक औरत के बारे में बताया जो सफ़ेद साड़ी पहने ट्रैक्स पे चलती थी, पर लोगों ने स्टेशन मास्टर की बात मानने से इनकार कर दिया और अगले ही दिन स्टेशन मास्टर और उसके पूरे परिवार की बॉडी उनके घर पर मिली। तभी से ये स्टेशन हॉन्टेड माना जाने लगा। वहाँ के लोगों का कहना है कि एक औरत की मौत वहाँ के रेलवे ट्रैक्स पे होने के बाद से वहाँ पे अलग अलग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखे जाने लगे, जिसके डर से वहाँ ट्रेन्स ने रुकना छोड़ दिया और स्टेशन बंद कर दिया गया। 1990s में गांव वालों ने कमेटी बनाई और स्टेशन वापस खोलने की मांग रखी और 2009 में जाके बेगुन कोदार स्टेशन को वापस खोल दिया गया। अब बेगुन कोदार स्टेशन पहले जैसा तो नहीं दिखता, पर अभी भी वहाँ पर दूर दूर तक इंसान नहीं रहते जो उस स्टेशन और उसके आसपास के बिल्डिंग्स को और भी खतरनाक दिखाते हैं। ये तो थी बेगुन कोदार की हिस्ट्री। 2017 में अ ग्रुप ऑफ रैशनलिस्ट्स बंगाल से ही इस बात का पता लगाने गए कि क्या सच में बेगुन कोदार स्टेशन पर ऐसा कुछ है या नहीं। उन लोगों ने ठंड में स्टेशन पर एक रात गुजारी। उस रात वहीं के गांव वालों ने उन्हें डराने की कोशिश की थी, जिसे उन लोगों ने पकड़ लिया और कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस नहीं की। बेगुन कोदार में कुछ हॉन्टेड था या नहीं ये तो नहीं पता, पर अब नहीं है, ये बात इन रैशनलिस्ट ने प्रूव कर दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बिलो। Peace.